कोई भी एक एंगल बना देता हूँ, ये मेरा एंगल बन गया। और अब जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो आप देखना क्या होता है। ये जो मेरा आधा आधा सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है, तो यानी कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी आर, मतलब ये जो आर रेडियस का सर्कल है, और फिर इस पॉइंट से मैंने बिल्कुल ये आर रेडियस पर एक और पॉइंट लगा रखा है, ये आपको दिख रहा होगा ये, और एक उसके ठीक बाद में एक आर रेडियस का एक और कट लगा रखा है, मतलब इन तीनों की दूरी आर आर और आर है। और इधर मैं कहीं पर भी जब ये इसको जो टच करने वाली लाइन है, हाँ इसको एग्जैक्ट देख लेते हैं कि कहाँ टच हो रहा है, यहाँ कहीं टच, तो इस पॉइंट पे ये इसको टेंजेंटली टच कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा प्रूफ था कि ये तीनों लाइन बिल्कुल एक सीधी, मतलब तीनों डॉट बिल्कुल सीधी लाइन में है। और उसके बाद में ये इस पे टेंजेंट था, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरीके से इधर भी ये इसका परपेंडिकुलर था, ये वाली लाइन इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए और इधर ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये इसके ऊपर टेंजेंट। अच्छा, अब इसमें आप देखिए, ये डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस आर है और ये वाली डिस्टेंस भी आर है, तो अब हमारे एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो तीन ट्राइंगल्स में देखिए कॉन्ग्रुएंसी देखिए कि इसमें ये आर है, इसमें भी आर है, और इन दोनों ट्राइंगल की ये बीच वाली साइड है, ये कॉमन साइड है, और इधर इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है और इसके अंदर भी एक 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कौन से थ्योरम से हमारा आर एच एस से बराबर प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके जो बाकी साइड और बाकी एंगल भी बराबर होने पड़ेंगे। तो इससे हमने फिर ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी एक आर रेडियस की साइड है, इसमें भी आर रेडियस की साइड है, और इसमें एक कॉमन साइड है, कॉमन है एंगल शेयर करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए। तो इससे हमने फिर ये पता लगा लिया कि अगर ये पूरा कुछ एक्स है तो ये एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री और एक्स बाई थ्री हो गया।